गुणगान तुझे ओठांवर राहू दे, चरणी तुझा हे जीवन बाहू दे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, सत्यजीत बैक। वी आर हियर टू आवर जर्नी टू दिल्ली ट्रिप। वी विल बी गोइंग टू दिल्ली साइट सीइंग टुडे, कवरिंग वेरियस प्लेसेस। होपफुली देखा जाएगा कि क्या क्या ओपन है, क्या क्या नहीं है। सो हमारे साथ ड्राइवर मोनू जी हैं, तो ये हमें घुमाएंगे। और वी आर हैविंग आवर फैमिली, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पहुँच के फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या कवर किया है और क्या क्या देखने की चीजें हैं। तो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून। गाइस, फाइनली हम जो है पुराना किला के पास पहुंच चुके हैं। पुराना किला और नेशनल जू दोनों साथ में। आपकी राइट साइड पे नेशनल जू है और सीधे चलेंगे तो आपको पुराना किला है। सो चलिए चलते हैं अंदर, आपको लेके चलते हैं और पुराना किला आपको दिखाते हैं। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। गाइस, यहां पे जो है एंट्री टिकट के लिए आपको कैश भी परमिटेबल नहीं है, पेटीएम से आपको करना पड़ेगा। ये हमारा पुराना किला का एंट्री है और इधर इस साइड में आपको लेक दिख रहा है। सो आप जब आते हैं यहाँ पे आपको अभी एट द टाइम पेटीएम से ही करना पड़ेगा। और ये देखिए, इस पे पुराना किला के बारे में दिया हुआ है, तो देखिए। सो चलिए चलते अंदर। तो गाइस, अभी हम पुराना किला में एंटर कर रहे हैं। ये आप देखिए, हमारा पुराना किला है, एंट्री हो रही है। सो स्टे ट्यून, आपका एंट्री गेट। एंटर हो चुके हैं पुराना किला में। ये आपका बैग पे देखिए, ये से कहते हैं बंद दरवाजा, बड़ा दरवाजा, सॉरी माय अपोलॉजीज, ये बड़ा दरवाजा है। यहाँ पे आपके सामने देखेंगे तो ये म्यूजियम है और ये पूरा पुराना किला के एंटर का है। तो चलिए, ये जो है आपका एक मस्जिद है, किलाए बना। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे किलाए कुना मस्जिद। सो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए मस्जिद के अंदर का जो इंटीरियर है, वेरी ब्यूटीफुल, जो यहाँ पे कार्विंग की गई है और जो नक्काशियां है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल।
ये है बावली, अब आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका, देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है शेर मंडल, शेर शाह द्वारा बनाया गया था। ये बताया गया है सर, यहाँ पे चढ़ाते हैं तो यहाँ पे कपल्स ही मैक्सिमम दिखेंगे। Everywhere you will find only couples. So, family place है, but we find most of the people over here in couple. ये जो है शेर, शेर शाह की वजह से बनाया हुआ ये है। ये स्नान घर, ईटों से निर्मित या खंडनुमा ढांचा हमारा स्नानागार। ये था हमारा पुराना किला और अब हम चल रहे हैं बाहर। बाहर देखते हैं अब हम नेक्स्ट हम कहाँ चलते हैं। Till that time, stay tuned. Guys, अब हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिर पहुंच के हम आपको दिखाएंगे। So, till that time. ये है आपका बिरला मंदिर, देख सकते हो। ये है बिरला मंदिर, यहाँ पे आपको एंट्री टिकट आगे है, आगे जाएंगे तो वहाँ पे एंट्री टिकट आपको मिलेगा। ये है आपका मंदिर का आउटर, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मंदिर भी है साथ में। देखिए संस्कृति शिवालय लिखा हुआ है और मंदिर का टिकट का आगे है। तो चलिए अंदर देखते हैं, अगर अलाउ है अंदर का आपको दिखाएंगे। और ये बाहर ही है बिरला मंदिर, स्टेच्यू है बिरला मंदिर के बाहर से ही है। मंदिर दर्शन करके आ गए हैं लेकिन अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, ये बाहर का ही है परिसर। अभी हम अंदर आगे चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे छोटी सी स्टोर भी है, तो ये वाटिका है, बाग है, वहीं चल रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने साईं बाबा का मंदिर, साईनाथ, साईनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, देख सकते हो आप। गार्डन है, देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे बैक में है छोटा सा गार्डन। डिजाइन किया गया है सारा पूरा पार्क में, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, देख सकते हैं। ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा, ऑन द वे। अभी
हम जो है बिरला मंदिर से निकले हैं और जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। तो ये है आपका इस्कॉन टेम्पल, देख सकते हो। ये मंदिर जा रहे हैं, मंदिर का अलाव होगा तो मंदिर को भी आपको दिखाएंगे। दैट टाइम स्टे ट्यून। ये यहाँ से आपका जो है 108 बार हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप किया जाता है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो आरम्भ है, स्टार्टिंग है, और आपको यहाँ से पूरा राउंड लेके आना पड़ता है। राउंड लेके आप पूरा ऐसे आपको जाना पड़ेगा, देन आपको एंड में जाके, जब आप एंड में पहुँचते हैं तो आप ये जरूर देव के दर्शन होते हैं। पीपल आर फॉलोइंग लाइक दिस, यू हैव टू नो प्रोनाउंसिएट। आपको एक मंत्र उच्चारण करना होता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज द प्रोसीजर। यहाँ पे मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल दें यहाँ पे जो है देख सकते हैं।
राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गाइस हम फिर से जो है दिल्ली हाट में आ चुके हैं और ये आपका मार्केट है, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे आपकी एंट्री है और अभी हमको एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट भी लेनी पड़ती है, तो हम चलेंगे एंट्री टिकट लेंगे और फिर वापस से हम आपको दिल्ली हाट विजिट कराएंगे, दिल्ली हाट में एंट्री करेंगे। चलिए दिस टाइम हम लोग नाइट में आए हैं दिल्ली हाट में, तो आप देखिए ये सारा जो है देख सकते हैं। अभी अंदर और चलेंगे, अंदर भी क्या क्या है फिर से आपको दिखाएंगे। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे रात में भी जो है पब्लिक रहती है। ये दिल्ली हाट आपका 10 बजे तक ओपन है, तो आइए एंजॉय करिए दिल्ली हाट में। ये हमारा दूसरा विजिट है, जैसे मैंने पहले बताया लास्ट टाइम हम दिन में आए थे, अभी हम जो है आपको रात में लेके हैं वापस दिल्ली हाट में। तो आगे और चलिए और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। Enchanting लद्दाख। So, अभी आपको यहाँ पे सारे लद्दाख के ही लद्दाख या फिर आपको जो है कश्मीर के यही आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। So, आपको सारे स्टॉल मैक्सिमम स्टॉल जो है यहाँ पे मेजोरिटी आपको लद्दाख की ही दिखेगी। तो चलते हैं खाते हम आपको और दिल्ली आपका और क्या क्या भी है। So, till that time, stay tuned. That the handmade work is going on. Very beautiful, very beautiful. कितना टाइम लग जाता है इसको पूरा कंप्लीट होने में? 15 दिन। ओके अच्छा अच्छा मैंने 9000 को दे रहे हैं, नहीं ना? हाँ वो तो है, सही है। कितना दिन लगता है? आपका नाम क्या है मैडम? पद्मा। ओके एक्चुअली मैं YouTube में चैनल बनाता हूँ, तो मेरा चैनल है, तो मैं आपको इफ यू वोंट माइंड मैं इसको पोस्ट करूंगा। ओके ओके थैंक यू मैम। जैसा कि गाइस ये मैम ने बताया कि इट टेक्स 15 डेज टू गेट कंप्लीटेड। यू कैन सी दिस टेक 15 डेज टू कंप्लीट अप। सो पद्मा जी ने यही बताया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। मणिपुर सामने आपको दिख रहा है। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस दिल्ली हाट। चलिए बाकी चलते हैं। ये हमको वापस देखिए, वेस्ट बंगाल फूड स्टॉल पे आ गए हैं। सो मस्ट विजिट प्लेस है दिल्ली हाट, नाइट का व्यू है तो जरूर आए। चलिए अब हम फूड एंजॉय करेंगे। Till that time, stay tuned.
गाइस ये रहा हमारा एग्जिट और अब हम दिल्ली हाट से जो है निकल चुके हैं। तो दिल्ली हाट से हम निकल चुके हैं और अब हम सीधे घर जाएंगे। तो आज का ये दिल्ली ट्रिप है यहीं खत्म होता है। टिल दैट टाइम डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस।